एनआईटी के बेटा कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर की छात्रा पल्लवी रेड्डी की मौत के बाद संस्थान के पटना कैंपस में छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कहा कि कॉलेज प्रशासन अब तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है और चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन ने इसे सुसाइड करार दिया है। एनआईटी के स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन इस मामले की लीपापोती करने में जुटा हुआ है। कॉलेज द्वारा इस घटना को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वही स्टूडेंट चाहते हैं कि कॉलेज के डायरेक्टर का स्टेटमेंट हो। और बीटा कैंपस में पल्लवी रेड्डी की मौत के बाद छात्रों का हंगामा देखने को मिल रहा है और कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटा हुआ है। कॉलेज द्वारा इस घटना को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। दरअसल एनआईटी के पटना डायरेक्टर से छात्र काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस घटना के बाद जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी खबर पटना से है। छात्रा पल्लवी रेड्डी आत्महत्या का यह मामला है, पुलिस के हाथ लगी सुसाइड नोट। एनआईटी की छात्रा थी पल्लवी रेड्डी। सुसाइड नोट में मेंटल डिस्ट्रेस की बात। पटना पुलिस को पल्लवी के रूम से मिला सुसाइड नोट, कल एनआईटी के हॉस्टल रूम में की थी सुसाइड। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पटना पुलिस को पल्लवी के रूम से सुसाइड नोट बरामद हुआ है और ऐसे में सुसाइड नोट में मेंटल डिस्ट्रेस की बात सामने आई है। पटना पुलिस को पल्लवी के रूम से सुसाइड नोट मिला है, कल एनआईटी के हॉस्टल रूम में पल्लवी ने सुसाइड की थी। और छात्रा पल्लवी के आत्महत्या 20 सितंबर को रात को करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एनआईटी के बिट्टा कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल में एक स्टूडेंट द्वारा फांसी लगाकर सुइसाइड कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घटना का सत्यापन और अग्रदर कार्रवाई किया गया। पुलिस द्वारा अन्य स्टूडेंट्स का बयान लिया गया है और जो स्टाफ मौजूद है उन लोगों का भी वीडियो बयान लिया गया और रूम को जो पीओ है उसको सील कर दिया गया था और FSL टीम के द्वारा साक्षी संकलन किया गया। इस पे रूम से एक सुइसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसपे मेंटल रेस्टलेसनेस होने का जिक्र है और अन्य डिटेल्स पब्लिक फोरम में शेयर नहीं करने का भी मेंशन किया गया है। पोस्टमार्टम एम्स में मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया और वीडियोग्राफी भी किया गया है और मृत्यु का जो कारण है वो फांसी लगाना पाया गया है। मृतिका का परिजन आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को हैंडओवर कर दिया गया है। पटना एनआईटी के बेटा कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर की छात्रा पल्लवी रेड्डी की मौत के बाद संस्थान के पटना कैंपस में छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कहा कि कॉलेज प्रशासन अब तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है और चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन ने इसे सुसाइड करार दिया है। एनआईटी के स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन इस मामले की लीपापोती करने में जुटा हुआ है। कॉलेज द्वारा इस घटना को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वही स्टूडेंट चाहते हैं कि कॉलेज के डायरेक्टर का स्टेटमेंट हो। और बीटा कैंपस में पल्लवी रेड्डी की मौत के बाद छात्रों का हंगामा देखने को मिल रहा है और कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटा हुआ है। कॉलेज द्वारा इस घटना को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। दरअसल एनआईटी के पटना डायरेक्टर से छात्र काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस घटना के बाद जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी खबर पटना से है। छात्रा पल्लवी रेड्डी आत्महत्या का यह मामला है, पुलिस के हाथ लगी सुसाइड नोट। एनआईटी की छात्रा थी पल्लवी रेड्डी। सुसाइड नोट में मेंटल डिस्ट्रेस की बात। पटना पुलिस को पल्लवी के रूम से मिला सुसाइड नोट, कल एनआईटी के हॉस्टल रूम में की थी सुसाइड। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पटना पुलिस को पल्लवी के रूम से सुसाइड नोट बरामद हुआ है और ऐसे में सुसाइड नोट में मेंटल डिस्ट्रेस की बात सामने आई है। पटना पुलिस को पल्लवी के रूम से सुसाइड नोट मिला है, कल एनआईटी के हॉस्टल रूम में पल्लवी ने सुसाइड की थी। और छात्रा पल्लवी के आत्महत्या 20 सितंबर को रात को करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एनआईटी के बिट्टा कैंपस में
गर्ल्स हॉस्टल में एक स्टूडेंट द्वारा फांसी लगाकर सुइसाइड कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घटना का सत्यापन और अग्रदर कार्रवाई किया गया। पुलिस द्वारा अन्य स्टूडेंट्स का बयान लिया गया है और जो स्टाफ मौजूद है उन लोगों का भी वीडियो बयान लिया गया और रूम को जो पीओ है उसको सील कर दिया गया था और एफएसएल टीम के द्वारा साक्षी संकलन किया गया। इस पे रूम से एक सुइसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसपे मेंटल रेस्टलेसनेस होने का जिक्र है और अन्य डिटेल्स पब्लिक फोरम में शेयर नहीं करने का भी मेंशन किया गया है। पोस्टमार्टम एम्स में मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया और वीडियोग्राफी भी किया गया है और मृत्यु का जो कारण है वो फांसी लगाना पाया गया है। मृतिका का परिजन आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को हैंडओवर कर दिया गया है। पटना एनआईटी के बीटा कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर की छात्रा पल्लवी रेड्डी की मौत के बाद संस्थान के पटना कैंपस में छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कहा कि कॉलेज प्रशासन अब तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है और चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन ने इसे सुसाइड करार दिया है। एनआईटी के स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन इस मामले की लिपापोती करने में जुटा हुआ है। कॉलेज द्वारा इस घटना को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वही स्टूडेंट चाहते हैं कि कॉलेज के डायरेक्टर का स्टेटमेंट हो। और बीटा कैंपस में पल्लवी रेड्डी की मौत के बाद छात्रों का हंगामा देखने को मिल रहा है और कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले की लिपापोती करने में जुटा हुआ है। कॉलेज द्वारा इस घटना को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। दरअसल एनआईटी के पटना डायरेक्टर से छात्र काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस घटना के बाद जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी खबर पटना से, छात्रा पल्लवी रेड्डी आत्महत्या का यह मामला है। पुलिस के हाथ लगी सुसाइड नोट। एनआईटी की छात्रा थी पल्लवी रेड्डी। सुसाइड नोट में मेंटल डिस्ट्रेस की बात। पटना पुलिस को पल्लवी के रूम से मिला सुसाइड नोट। कल एनआईटी के हॉस्टल रूम में की थी सुसाइड। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पटना पुलिस को पल्लवी के रूम से सुसाइड नोट बरामद हुआ है और ऐसे में सुसाइड नोट में मेंटल डिस्ट्रेस की बात सामने आई है। पटना पुलिस को पल्लवी के रूम से सुसाइड नोट मिला है। कल एनआईटी के हॉस्टल रूम में पल्लवी ने सुसाइड की थी। और छात्रा पल्लवी के आत्महत्या 20 सितंबर को रात को करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एनआईटी के बिट्टा कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल में एक स्टूडेंट द्वारा फांसी लगाकर सुइसाइड कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घटना का सत्यापन और अग्रदर कार्रवाई किया गया। पुलिस द्वारा अन्य स्टूडेंट्स का बयान लिया गया है और जो स्टाफ मौजूद है उन लोगों का भी वीडियो बयान लिया गया और रूम को जो पीओ है उसको सील कर दिया गया था और एफएसएल टीम के द्वारा साक्षी संकलन किया गया। इस पे रूम से एक सुइसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसपे मेंटल रेस्टलेसनेस होने का जिक्र है और अन्य डिटेल्स पब्लिक फोरम में शेयर नहीं करने का भी मेंशन किया गया है। पोस्टमार्टम एम्स में मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया और वीडियोग्राफी भी किया गया है और मृत्यु का जो कारण है वो फांसी लगाना पाया गया है। मृतिका का परिजन आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को हैंडओवर कर दिया गया।